तुझे शमशान से, कब्रस्तान से, किधर से लाए? शमशान 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 से कितना टाइम होगा लाके? एक साल, दो साल, कितना टाइम हो रहा? पकड़, कितने साल हो रहे? कितने साल हो रहे? जलाओ कुत्ते से, कितने साल हो रहे? अब क्या बोल के लाए थे? छोकरे को मार दो बोले थे? जोर से बोल, उड़ा मुंडी ऊपर, कमीने को काट दूंगा। हाँ, क्या बोल के लाए थे? सर में दर्द कर करके बच्चे को मार दो बोले। जबान से बोल, जबान से बोल, नहीं बोलता जबान से, जलाओ उसको तेजी से, उन्हें जब तक नहीं बोलेगा जबानों से उसको जलाते रहो। हाँ हाँ, बोल जल्दी। हाँ, क्या क्या बोले थे? कैसा मारो बोले थे छोकरे को? कलीम, क्या नाम था? अहमद को कैसा मारो बोले? कैसा मारो बोले? हाँ, कैसा मारो बोले? याद आया? कैसा मारो बोले उसको? जलाओ उसको, तेज जलाओ, दोनों हाथों में भी आग लगाओ उसके तेज से। कैसा मारो बोले छोकरे को? क्या कैसा? सर में दर्द करके मारो बोले, जबान से बोल हाँ या ना, सर में दर्द करके मारो बोले। अच्छा, और उसकी कमाई भी रुका दो बोले थे? कमाई भी रुका दो बोले थे? कैमरा उठा के ले रहे। हाँ, कमाई भी रुका दो बोले, और क्या बोले? बावरान कर दो उसको, पागल के जैसा करके मार दो बोले। जोर से बोल। और क्या क्या तकलीफ दो बोले उसको? अच्छा, कौन से गांव से लाए थे जादू? जादू कहाँ से चला उसको? परभनी से चला है क्या? कौन से गांव से चला है? नाम बोल। कौन से गांव से? कौन से गांव में रहता हूँ मैं? जल्दी बोलो जी। अहमदपुर गए। हाँ, अरे अहमदपुर से जादू करे, मानवत से करे? गंगाखेड़ में 3 साल से। गंगाखेड़ से करे, मानवत से करे क्या? कहाँ से करे? मानवत से करे, अहमदपुर से करे? हैरोजी चुप बैठो। अहमदपुर से करे, गंगाखेड़ से, अहमदपुर से करे? जोर से बोल, जबान से। अहमदपुर से करे, अहमदपुर से करे। अहमदपुर में इसके ससुराल है, मायका है? नहीं, एक साथ। अरे अहमदपुर से करे, गंगाखेड़ से करे, जबान से बोल। कैमरे वाले नजदीक। हाँ, कहाँ से करे? अहमदपुर से। क्या कारोबार की दुश्मनी थी क्या? अच्छा, कारोबार चल रहा था इसका, बोल के बहुत कमा रहा था बोल के। जल्दी बोलो, काट दूंगा दोनों हाथों। हाँ, जोर से, जोर से बोल, पूरी ताकत लगा के। अहमदपुर के शमशान से जादू करे? अच्छा, इसका क्या लग गया थे? शर्ट, पैंट, चपड़ा, कप्पल, चप्पल वप्पल क्या लिए थे? जादू चलाते वक्त क्या लिए थे? इसका बाल लिए थे सर के? पैर के नीचे की मट्टी लिए क्या? जबान से बोल, क्या लिए? मट्टी। कहाँ की? अच्छा, शर्ट पैंट कुछ लिए क्या? और चड्डी वड्डी नहीं? क्या लिए थे? जोर से बोल। मट्टी लिए थे। अच्छा, तो लेने वाली औरत थी, आदमी था वो? इसके दोस्त था क्या? कौन था? क्या किसके साथ चक्कर चल रहा था क्या इसका? कोई औरत की उन्होंने लिख के? दोस्त ने लिया, कारोबार वाले ने लिया, साथ वाले ने? क्या क्या? जो जबान से बोल। हाँ, कौन? जबान से बोल जल्दी। कौन था वो जिसने मट्टी लिया? वो औरत थी, आदमी था वो? कौन था? जल्दी। क्या बोले थे? बच्चे को मारी दे फाइनल। और शमशान से जब दवा बना के लाए तो उसको कहाँ खिलाए? अहमदपुर में खिलाए, परभनी में, क्या गंगाखेड़ में? कहाँ खिलाए? वहां खिलाए? जबान से बोल, अहमदपुर में खिलाए? अहमदपुर वहां खिलाए?
गाय का सालन था वो, मुर्गे का था, बकरे का था, क्या था, दाल थी, चावल थे, रोटी थे, क्या था, किस चीज में मिला के खिलाए थे? सालन था, रोटी थी, हाँ जोर से बोल, जबान से बोल, क्या था? रोटी कई की जवारी की, क्योंकि अच्छा, और उसके साथ सालन कह का था, दाल थी, सालन था, क्या था? अच्छा वो जिसने करा उसका नाम क्या है, जल्दी बता दे। देखा ना, मेरे से कोई नहीं जीत सकता, यह अल्लाह के कलाम की ताकत है और सब पे काबिज है अल्लाह के कलाम की ताकत। कोई शैतान नहीं, कोई जिन्नात नहीं, कम वक्तों तुम्हारे सबके ऊपर बादशाहों पे बादशाह अल्लाह ने मुझे बना के बिठाया। देखा कितनी ताकत दिया अल्लाह ने, तो कैसा लाया तेरे को पकड़ के मैंने, तू उसके सर में बैठ के तकलीफ दे रहा था, बरोबर? क्या कर रहा था, सर में दर्द कर रहा था उसके? जोर से बोल, जबान से बोल, दीवाने के जैसा करके मार देने वाला था, तकलीफ दे दे के सर की, है ना? वो जिसने करा तो इसके साथ का जोड़ीदार था, गुत्तेदार था, मजदूर था, कौन था वो जादू करने वाला, कौन था वो? हिंदू का था, मुसलमान का था? जल्दी बोलना तो पूरा खत्म कर दूंगा। कौन था वो? देखा ना, पूरे टुकड़े कर दूंगा। हिंदू का था, मुसलमान का था? हाँ, हिंदू मुसलमान। अबे जोर से बोल, टाइम नहीं मेरे पास, काट दूंगा नहीं तो। हाँ, कौन है वो? हिंदू था, मुसलमान था? हाँ, ला रे कैमरा नजदीक, बोल रहा हूँ। हाँ, कौन है? हिंदू है, मुसलमान है? जल्दी बोल, जल्दी बोलो तो पूरा जला दे दो, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जलाओ उसको। कौन है वो? हाँ, याद आया, याद आया, गौर जलाऊं। कौन है? हिंदू है, मुसलमान है? मुसलमान है, मुसलमान है। ऐसा बदमाशी कर दिया मैंने इसके साथ में, अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह मेरे मालिक, क्या तमाशे कर रहे लोग। हाँ बोल, हाँ बोल, क्या दुश्मनी थी? हाँ अच्छा, चल उसका नाम बोल दे, छोड़ दे, चल अभी नाम बोल, रफा दफा करता मैं, जल्दी नाम बोल, क्या नाम है वो? हाँ बोल दे, नाम बोल दे, छोड़ दूंगा। हाँ जल्दी बोल, जलाल अगर मेरा जग जाएगा तो दो टुकड़े हो जाएंगे तेरे। हाँ जल्दी बता। हाँ जलाऊं, जलाऊं? हाँ जल्दी बोल, क्या नाम है उसका? बोल दे, बोल दे, छोड़ देता मैं, रफा दफा कर देता, मेरे पास टाइम नहीं, जल्दी करने दो, मैं तेरे दोनों हाथा काट के ले लूंगा। चकड़ो उसको नाला कुत्ते के साथ में, ऐसा उन्हें जुल्म दे रहा अल्लाह के बंदों को, क्या दुनिया में जुल्म चल रहा है ऐसा, और इसकी जान भी ले लेने वाला था तू? हाँ जोर से बोल, हाँ या ना, इसकी हाँ। जान लेने वाला था छुकरी की? हाँ। अच्छा, इसको कब मार के लिए जाने वाला था तू? अम्मास में, पूनम में, अम्मास में तू इसको पहले से मार देने वाला था, मैंने मारने दिया? तू दिवाली के अम्मास में मारने वाला था इसको, बरोबर? हाँ मारने दिया मैंने, रुका दिया ना, ऐसी ताकत दिया अल्लाह ने, देखा ना यहाँ पे, बरोबर? अभी भी तू मौके के ताक में था, मगर मैं नहीं ले जान दे रहा था तुझे, मेरी फौज भी है ना, नहीं ले जान दे रही तुझे। कैसा मार रही थी मेरी फौज ने, कैसा मार मार के थे कुछ इंदिया करी, अमल दिया था मैं उसमें, तो तेरे को मार पड़ रही थी, नहीं पड़ रही थी तेरे को, जकड़ के लेके जा रही, नहीं ले जा रही थी मेरी फौज मारने को बाहर, जकड़ जकड़ के चिरागों में क्या कर रहे थे तुझे, बाहर ले जाके मार रहे थे ना? जोर से बोल, पूरा मार मार के चिंदा करे ना, ऐसी ताकत है अल्लाह ने, अली ताकत है, कमबख्त कोई जीत नहीं सकता हमारे से अल्लाह के फजल करम से। उसकी खाला ने यहाँ लई बिचारी ने, बोल के उसकी छोकरे की जान बच गई, तो उसकी जान पहले से लेने आता, और मैंने उससे पहले उस खाला ने लाके मैंने जान बचा ली अल्लाह करम से, बरोबर? तू इसको कैसा मारने वाला था, दिमाग की नस फाड़ के मार देने वाला था, कि इसको सुसाइड करा देने वाला था, दर्दा डाल डाल के गर्दन में जा दे? जोर से बोल, कैसा? हाँ क्या सुसाइड? दिवाली के अम्मास में उन्हें सुसाइड करा देना था उसको, अटेम्प्ट टू खुद का खुद ही सुसाइड, क्योंकि इसको दर्द डाल डाल के दर्द पे सुसाइड करा के सब मिल जाना था, जान बची। पूड़िया का क्या है रे, वो तुझ खिला रहा अंदर बैठ के, कौन खिला रहा पूड़िया? ये जल्दी बोल, तो पूरा जला दूंगा, जल्दी बोल।
देखा देखा ये ताकत है ये आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला की इमाम हसन इमाम हुसैन के औलादों में कैसी ताकत दिया अल्लाह ने, शैतान को टच कर दिए तो शैतान को आग लग जाती। देख देख पूरा जला दूं। हाँ जल्दी बोल, याद आया पूड़िया क्यों खिला रहा उसको? तू खिला रहा था? चलो अभी इसको जकड़ के ले लो, इसको मार मार के खत्म करनी है जल्दी। मेरे को नाम बयान करना, कौन सो करा था इसके आंग में, नाम बयान कर उसका जल्दी। मैं तो उसको देख रहा हूँ, उसकी शक्ल दिख रही मुझे जल्दी, तो नाम बता ना, फिर काट दूंगा मैं। कौन है वो, क्या नाम है उसका, शनाख्त बता उसकी जल्दी। शनाख्त जल्दी बता, जलाओ जलाओ। बता रहा नहीं बता रहा, बता रहा कि नहीं बता रहा, बता रहा ना। हाँ चल बोल जल्दी बोल, नाम बोल, टाइम नहीं मेरे को, जल्दी बोल नाम बोल। हाँ क्या क्या है वो छोकरे का नाम जिसने इसको रोटी में मिला के खिलाया, शमशान से ला के, उसका नाम बोल जल्दी जल्दी बोल, कम बखत चकड़ लो उसको तेजी के साथ। उन्हें नाम नहीं बोला कि उसको पूरा जला दूंगा। बोल नाम बोल, बोल नाम बोल, नाम बोल। याद आया याद आया याद आया? तू अगर नाम नहीं बोला कि तू भसम हो जाएगा फिर पूरा। जल्दी नाम बोला तो तेरी जान बचेंगी, जल्दी बोल कम बखत। बोल नाम बोल, क्या है, कौन है वो मुसलमान का छोकरा, कौन है वो? वो इसके साथ में अहमदपुर में रहता हूँ, वहां का छे क्या, दूसरे गांव से आया था? कौन से गांव से आया था? अच्छा इसको जादू करने की वजह क्या थी, वजह क्या थी, क्यों करा क्यों करा? इन्हें उसके बहन के साथ चक्कर चला रहा था, इन्हें उसकी औरत को भगा के ले जा रहा था, क्या दुश्मनी थी? इन्हें उसके पैसे डुबाया, क्या करा? नहीं छोड़ते तुम, जल्दी पूरा जला दूंगा, जलाओ कितने से आग लगाओ क्या तुम्हें, पूरा घुमाते रहे मेरे के सामने। हाँ चल बोल जल्दी बोल, याद आगा याद आगा नाम? इसलिए ने उसको पैसे डुबाया था इसको करे ने, क्या दुश्मनी थी? चल दुश्मनी बोल जल्दी बोल, अबे जल्दी बोल, टाइम नहीं था मेरे पास, मैं पूरा खत्म करा दूंगा। डाल दू तेरे को बाटली में, कर दू खत्म। चलो छोकरे का नाम बोल और तोबा तोबा करके निकल, छोकरे को छोड़ के। हाँ चल बोल जल्दी। हाँ ए वो एसी का बटन दबा रही, मोड़ दबो गर्मी थी। हाँ जल्दी बोल नाम। हाँ नाम बोल। नाम बोल, नाम बोल जल्दी बाबा। हाँ बोल। हाँ क्या बाबा, क्या बाबा, किसका नाम? मेरा नाम क्या, छोकरे का नाम? छोकरे का नाम क्या नाम है एक बार बाबा, बुलंद बोल, जोर से बोल बाबा। बाबा वो लड़के का नाम बाबा है। अच्छा और बोल, और क्या बोलना चाह रहा, कुछ बोलना चाह रहा क्या, जल्दी जल्दी बोल। करेगा लड़के को दोबारा परेशान? आज के बाद इसका खून नहीं पीना, आज के बाद इसको परेशान नहीं करना, बची कुची इसकी सारी दवा उल्टियां जुलाब लगा के बाहर निकाल के फेंको, फौज को हुकुम दो इसको मार मार के सब बाहर निकालो, और चल तू आज के बाद मेरे पास गुलाम हो जा। मरने से पहले तेरा नाम क्या था, तू जिन्नात की नस्ल से है कि इंसान की नस्ल से है, जल्दी बोल। आवाज बुलंद बोल कम बखत, इंसान की नस्ल से जिन्नात की? इंसान। अच्छा इंसान की, मरे वाला। चल आज के बाद तू जो भी जागरूक करके तुझे उठाए, अब आज के बाद तू मेरे फौज में शामिल रहेगा, मेरी गुलामी करेगा, मेरे को जो लोग बुरा सोचेंगे मेरे बारे में या कुछ भी काटे डालने उन पे जाके तू डायरेक्ट हमले करेगा, ठीक है? बाहर खड़ा रहेगा, मैं जब भी बाहर निकलूंगा मेरे साथ में पूरा मेरे फौज में मेरे लश्कर में शामिल रहना,
दिमाग लोगों के फौरी पढ़ लेना, और जिसने भी अगर बुरा बोला या मेरे बारे में बुरा सोचा कि फौरी उसके दिमाग में, दुनिया के कौन से भी कोने में रंधे, फौरी उसके दिमाग में घुस जाना और उसका खून पीना। समझ गया? समझा क्या? हाँ चल, अब तो बात हो कर जल्दी मुंह पे हाथा मार जोर से। चल छोड़ ये छोकरे को, बाहर निकल जल्दी, छोड़ के निकल अब इसको बाहर। चल अब बाहर खड़े रहे, अब जिंदगी भर के आज तू मेरे पास गुलाम है। किसका गुलाम है तू? अब टीपू सुल्तान का है। किसका है? टीपू सुल्तान। हाँ मेरे फौज में बार शामिल रहे, और तेरे को ड्यूटी दिया लिए मैंने कि सबके दिमागों में, सबके जबानों से सुनते जा मेरे खिलाफ क्या अल्फाज निकल रहे। कोई अगर बिला वजह में को कुछ बुरा बोल रहा तो फिर वैसे लोगों को दुनिया में जीने का हक नहीं है जो अच्छा तो करते नहीं और अच्छा करने वाले के रास्ते में कांटे डाल रहे। फौरी उनके घरों में जाएगा, उनके बच्चों के दिमागों में घुस, उनके दिमागों में घुस, खुना पी हलाक कर दे वैसे लोगों के नस्लों को। समझ गया? चल जा बाहर खड़े हो। हाँ चल, तो बात कर। चल हाँ, तो बात कर जोर से, जोर से। पानी की ठंडी बॉटल दो। चल जा बाहर खड़े हो जा। चल अब बाहर खड़े हो जा। लोगों को दर्दा देते रहना जो बुरा सोच रहे, जो बुरा कर रहे, अच्छे अल्लाह वालों के रास्ते में आके तो खुद ब खुद तेरे खयामत तक वो ड्यूटी दिया है। समझ गया ना? जा तेरी ड्यूटी है वो, अब जाके बाहर काम पे लग जा। छोड़िए छोकरे को। चल चल बाहर, चल बाहर निकल। क्या नाम है? अहमद। ए अहमद, अरे क्या होगा पानी पी। ढक्कन दे दो जाओ। कैमरे वाले इधर ले, क्या कैमरा बताओ। देखो इसी दास्तान रहती, हर चीज के वार अलग अलग रहते। इनके बेटे को तकलीफ थी, जरा बावाज बुलंद बोलो कोई तो एक जना। क्या तकलीफ थी? क्या थी? हाँ क्या बोल रहे, कई की तकलीफ होती थी? क्या होता था उसका? पैर दुखता था, सिर दुखता था, क्या होता था? क्या क्या होता था उसको? और तकलीफ क्या होती थी? में हमारी करते थे जी, अभी पेट भर निकले लेते थे, ऐसा का फिर हमारे गंगा खंड में 2-3 साल रहे। ये सही बोलते हमारा ये मानोदमी, तो हमारा मानो होता था, मानोदमी रहे गंगा खंड में 2-3 साल रहे। तुमने बहुत जगह बताए, तुमने दुआ पानी भी करे, दवा गोलियां भी करे, मुसलमानों को निप गए, हिंदुओं को बरोबर क्या? तो तुम आपको ही गुना आया? नहीं आया। बच्चे ने हमने वो सुन के बच्चे को देखे ना, एक ही बच्चे ठीक है, मगर एक बात बोलो कि तुम्हारे बच्चे को हजारों जगह तुमने लेके गए, कहीं हाजिर हुआ क्या? कोई हाजिर करके सवाल जवाब करा क्या? कौन जादू करा? किधर का शक करते थे तुम? कौन से गाँव का शक करते थे? मानो का शक करते थे। जादू करने वाला निकला अहमदपुर का, अहमदपुर का निकला। 9 साल रहे हमारी करते थे, मुंडे को करते थे, वहाँ से आए फिर नागपुर का। जब बच्चा के शायद यहाँ कैसा लगा तुम? आप अल्लाह के कलाम की ताकत देखे क्या? लायु में देखे तो समझ में आया कि यहाँ पे अब सब बर्तन धो दो। कितनी बार लाए? कितनी बार में हाजिर हुआ उसका? पहली बार में, दूसरी बार में? जोर से बोलो, उधर पूरी दुनिया तुम आप देख रही, उधर देख के बोलो सब। पहली बार में हाजिर हुआ, दूसरी बार में, तीसरी बार में? अभी तीसरी बार स्टार्टिंग में, दूसरी बार, दूसरी बार, दूसरी बार, और उसको क्या बोलते? तो फर्क गुण वो सब हुआ अल्लाह करम से। तुम पहले उसको दवा गोली का समझे, बाद में बाहर का समझे, बहुत जगह लेके फिरे। ऐसा करके बोली ना मैंने, क्या निकला? कुछ भी नॉर्मल बता। पढ़ लिखे आजकल मौलाना ने पूरे सिर का ही जमा करी मौलाना। मनीष बोली, मनी बोली नको बच्चे का, यूनियन बोली बते तुम्हारे बच्चे का इलाज कर दो, यूनियन बोले बते मेरे बच्चे का इलाज कर दो। मोबाइल पे देखे वहाँ का एक आदमी आया था नागपुर का, बता के बच्चे को लेके आए थे, बच्चे को लेके आए थे हमारे गली में। चाहिए मनी बोले जाओ, बोले तुम नमाज को गए, बच्चा नमाज को गए तो बात करते बैठे। रोज के करके क्या दुकड़ा भाई तुम्हारा? ऐसा ऐसा दुकड़ा देखो भाई, सिर में दुकड़ा,
और तुम क्या करो मत एक घर जाओ मत तुम जाओ उसको पर भी नहीं तू तुम्हारा नाम बोले फिर वो मोबाइल पर देखे बहुत नाप लगा फिर वो बेचारे घंटा भर आके मेरे को समझाया कि हमारी बहन भी देखा मेरे पास तो नहीं मिली घंटा भर बोले आधा घंटा चला कुछ याद है क्या क्या हुआ तो जोर से बोलो कुछ भी याद नहीं हाजिरी दो किस्म करते एक 50% या 80% उसको नहीं समझता 20% समझता पेशेंट को मगर इसको उनको 100% है पहली बार उनको लेकर आए वो लोगों का एक्सप्लेन करा के मैं तुमको समझाता हूँ क्या बोल रहे थे पहली बार इनको दर्द हुआ जो भी हुआ तकलीफ इन्हों दवा खाने गए दवा गोलियां करे गर्दन में से क्या दर्द होता था गर्दन और सिर पकड़ ली थी अंगारों की सिर और गर्दन में अंगार अंगार इतनी होती थी तकलीफ बेइंतिया हेडेक और पीछे गर्दन अकड़ जाती थी उसको बहुत तकलीफ होती थी क्या होता था नहीं समझ रहा सीटी स्कैन 3 बार करे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल कुछ भी नहीं फिर उसके बाद उन्होंने क्या करे इलाजों को गए मौली साहबों कने गए हिंदुओं कने गए मुसलमानों कने गए महाराजों कने गए सबके पास गए उनको कहीं गुण नहीं मिला कुछ नहीं सब लोग उनको बोल रहे हो 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 होता होता पैसे खा ले रहे बाद में कुछ भी नहीं हो रहा होगा फिर उसके बाद में उन्होंने इतना फिरे फिरे भटके फिर दवा गोलियां भी करे कुछ फर्क नहीं हो रहा फिर लास्ट में उन्होंने कितने साल के बाद यहाँ पे आए दो साल तक उसकी तकलीफ लेके फिर 2 साल के बाद में यहाँ आए सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ से अल्लाह फैज की दरिया जारी करता वो अल्लाह मालिक उसका है दुनिया पे हर चीज पे हुकूमत अल्लाह की तो देखो आज भी आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला ने हमें कैसा तासीर रखा अल्लाह ने आज भी उनके जबानों में सैयदों की आल कैसी है दुनिया के अंदर आज भी सबको फैज पहुंचा रही इस दर से आज भी सबको फैज पहुंचता ये खुदा की कुदरत है ये इमाम हसन और इमाम हुसैन के खून का तासीर है ये आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला ने कि आज भी उनके दर पे कोई आया तो अल्लाह किसी को मायूस नहीं जान देता था अब भी थोड़ी देर पहले एक लेडीज स्कूल आए तो उसका हाथ ऑटोमेटिक पकड़ लिए और फिर आए क्या कर रहा था वो अंदर बैठ के हाथ में उसके बैठ के तकलीफ दे रहा था और ये इसके क्या कर रहा था इसके दिमाग में बैठ के तकलीफ दे रहा था कैसे कैसे अलग अलग किस्म के वार रहते और कैसे अलग अलग किस्म की मार रहती जादू करने के लिए वो नहीं समझ सकते सब मेडिकल साइंस अपने हद तक है हर कोई अपने अपने हद तक मुकर्रर रहता उसके आगे कोई भी अपने हद के आगे नहीं बढ़ सकता उनकी एक हद है वो जितनी हद थी उनकी उतनी चेक करके उन्होंने देखे कुछ भी उन्होंने बता दी सर में दर्द और कुछ भी नहीं ले और यहाँ आने के बाद क्या सामने आया अभी इससे पहले भी एक वीडियो अब भी आए थे अंदर लोग निजामबाद के तो उनका फर्स्ट टाइम ही पकड़ लिए उसका हाथ ऐसा फिरा रहे थे दूसरा वो भी वीडियो है नेट पे देखो फिरा रहे थे ऑटोमेटिक हाथ फिर रहा था तो बाद में वो क्या बोलता हूँ कि मैं इसका ये हाथ में बैठा लाऊ उसके कंबर में और पैर में ताकि इसका आलम गिरा के इसको मार देने का हुक्म दिया था कौन करे वो उसके ससुराल की तरफ के लोग करे मैंने नाम अभी नहीं पूछा है उसमें बाद में पूछूंगा क्योंकि भाई मेरा क्या है तुम मेरे सामने आ रहे और इस दर पे आके तुम एक ऐसी आस लगा रहे कि किसने जादू करा हमको उसका नाम पता चलना तो ये खुदा की कुदरत है और तुम खुदा की कौन कौन सी नियामतों को झुठलाओगे ऐ इल्म के जानकार लोगों देखो ये कैसा इल्म अल्लाह ने दिया और ये कैसा जबान का तासीर है कि तुम्हारी बीमारी भी है तो मेरे सामने क्यों है और क्या है सामने आके बयान करके चले जाएगी इससे पहले कई हाजिर ने वहां इनके आंकड़े का कहीं बयान नहीं करा बीमारी समझ रहे थे एक बार आए दो बार आए जब तीसरी बार उन्होंने आने की तैयारी कर रहे थे उससे पहले समझो तीसरी बार तो नहीं यहां से तीसरी बार होगा उनका तो तीसरी बार से पहले चांग में आके बयान करके चले गया सब दास्तान क्योंकि उन्होंने नियत भी रखे थे कि हम लड़ेंगे नहीं जिसका भी नाम निकला उसको और जो भी हमको जानना है तो अल्लाह ने बता दिया ये दर ऐसा है कि ये दर से अल्लाह फैज देता मेरी कोई हैसियत और ना मेरी कोई औकात जो मैं किसी को फैज दे दूं और मैं किसी को दूं ये अल्लाह खालिक और मालिक मगर ये नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का तासीर भी सदक़े तुफैल उनके खूनों का उनका वसीला देखो दुनिया वालों शैतान और जिन्नात इमाम हसन और इमाम हुसैन की औलादों से आज भी कैसा अदब करते और कैसा डरते चाहे वो जादू रंदो शैतान रंदो जिन्नात रंदो कुछ भी रंदो मैंने तो कोई अमल नहीं सीखा था मैंने ना कोई छिल्ले खशिया करा था कुछ भी नहीं मैं सिर्फ जिक्र करता था सिर्फ अल्लाह के वास्ते इबादत करता था कुरान पढ़ता था कुरान का दिल पढ़ता था इतना भी पढ़ा मैंने ये सब चीजों को कि मैं तुमको बयान भी नहीं कर सकता और मैंने जिनको सिखाने के वास्ते बिठा था तो उन्होंने तौबा करके बोल के भागे इतना नहीं पढ़ सकते एक दिन में पढ़ते बेहोश हो जाएंगे तो वो डीएनए रहता डीएनए की बात रहती ब्लड लाइन कि तुम सैयदों को कितने भी घंटे बिठा दो
17 घंटे बिठाओ, 18 घंटे बिठाओ, 22 घंटे बिठाओ, ना उनका वजू टूटता, ना उनको भूख लगती, ना उनको क्या बोलते, तो बेजार होते इबादत करने से नहीं। बाकी दुनिया वालों तुम्हारा डीएनए का सरता, तुम 2 घंटे अगर इबादत में बैठ गए तो तुम बोलते नहीं नहीं अब हमारे को बैठे नहीं जा रहा, नहीं नहीं चकरा रहे, भूख लग गई, खाना खाने जाओ, वजू टूट गया, तारत करके जाओ, ये होगा फलाना, कैसा आलम रहता। वो नस्बतों के सिलसिले, वो दास्ताने, कैसी खून है वो घराने का, कि वो बोलते नहीं क्या दास्तान, अपना डी जिस चीज का डीएनए जो है उन्हें उस मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता और शेर के बच्चे को गोश्त खाना नहीं सिखाना पड़ता, तो ऐसे सब दास्तान रहते, तो वो उनकी नस्लों में है, वो तो नस्ल ऐसी है कि ये घराना ऐसा अल्लाह ने रखा आला के घराने के जरिए से आज भी अल्लाह पूरे दुनिया को फैज पहुंचाता। जरा देख लो तारीखें उठा के और पढ़ लो, मुसलमानों के बादशाह मुट्ठी भर के थे पूरी दुनिया में मगर पूरे वर्ल्ड पे राज करते थे, और आज मुसलमान पूरी दुनिया भर के हो गए मगर राज नहीं कर सकते, उल्टा मार खा रहे पीट रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हार को दूर कर दिया गया बुजुर्गान ने दीन से, एक साजिश के थ्रो के उनके पास मत जाओ, बिद्दत इधर मत जाओ, शिर्क है। तुमको क्या मालूम शिर्क की डिफिनेशन, क्या पता बिद्दत की डिफिनेशन, पढ़ो और समझो तो पता चलेगा। कुरान के अंदर तो अल्लाह ने बता दिया ना, इल्म मूसा अलग है और इल्म खिजर अलग है। मूसा को तो वही आती थी, फिर खिजर को कौन बातें बता रहा था, ये सब वही तो मूसा पे आती थी, मूसा पैगंबर है मूसा अलैहिस्सलाम, फिर खिजर अलैहिस्सलाम कौन बता रहा था ये सब बातें, वो वलायत के मामलात है और ये पैगंबरी के मामलात थे। पैगंबरी के मामलात से तुम्हारे को शरीयत देकर चलाता और वलायत के मामलात से दुनिया को चलाता, वो तुम्हारे को नहीं मालूम है राज, जरा पढ़ो तफसीरों में तो पता चलेगा। जरा पढ़ो मूसा अलैहिस्सलाम का, खिज़र अलैहिस्सलाम का वाकया, जरा पढ़ो सुलेमान बिन दाऊद और आसिफ बिन बरखिया का वाकया, तो तुमको पता चलेगा कि वलायत और नबूवत, नबूवत को अल्लाह जो भी शरीयत अता करता वो पूरी दुनिया के लिए बोल देता कि आम जनता ही सब लोग इसको फॉलो करेंगे, और वलायत को क्या है, कौन सी शरीयत और कैसी शरीयत है, और वलायत से कैसा काम लेता, कैसी वही नाजिल करता। आसिफ बिन बरखिया ने तख्त कैसा हाजिर कर दिए थे, कैसा आ गया था वहाँ बिल्कुल इसका तख्त दरबार में आपके हाजिर हो गया सामने सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो ये सब वाकयात पढ़ो, इन शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, तो तुमको कोई गुमराह नहीं कर सकेगा, वरना जगह जगह एक पत्थर के नीचे कीड़े कैसे बैठे रहते हो, तुमको गुमराह दीन से भटकाने वाले बैठे ले। अल्लाह तुम्हारे ईमान की हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारे आखिरत की हिफाजत करे, अल्लाह तुम्हारे खबर की हिफाजत करे, तुम्हारे नस्लों की हिफाजत करे, और दुआ किया करो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के, कितना रंगेज दौर चल रहा, कहीं तुम्हारा दीन बर्बाद ना कर दे ये लोग बदमाशा। इसलिए बहुत, और वलियों को तो कभी बुरा नहीं बोलना बाबा, वलियों को अगर बुरा बोले कि गया तुम्हारा दीन, हदीस, कुरान सब सब तुम्हारा पड़ियाला जाया हो जाता और अल्लाह तुम्हारे जंग का ऐलान करता, और जब अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान करता तो फिर तुम कहाँ भागेंगे, किसके दामन में जाके बचेंगे, कौन तुम बचाने वाला, फिर असल है तुम्हारे लोगों को समझ में आ रहा है ये सब बातें जो बताता मैं, तो बार बार तुम दीन और हदीस की रस्सी को मजबूती से थामो, घर के अंदर एक मामूल बनाओ कि रोज बच्चों को रात में सूरह यासीन एक बार पढ़ के रात का एक मामूल बनाओ। चलो मैं सिखाता तुम्हारे को, आज के बाद एक काम करो, सुन रहे जितने भी लोगों को तक मेरी आवाज पहुंच रही, रोज रात में ईशा के बाद में जब तुम लोग सोएंगे तो एक काम करना, पूरे फैमिली को एक जगह जमा करना, ईशा की नमाज पढ़ना और बोलना बच्चों सब मिलकर सूरह यासीन पढ़ो, अगर सब नहीं पढ़ सकते तो एक पढ़ना और सबने गौर से सुनना, अगर तुम सूरह यासीन पढ़ने नहीं आ रहा तो तुम कुरान शरीफ को मोबाइल के अंदर वो जो भी है डाउनलोड करो, सारे सूरह यासीन बोलकर वो जोर से आवाज में बजाओ और वो सुनाओ सबको, सुनने के बाद सो जाओ, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ और ये बात तुम्हारे पत्थर की लकीर बताता हूँ कि सुबह उठे तक तुम्हारे पे कोई आजाब कोई आफत नाजिल नहीं होगी। और तुम सुबह जब उठ जाएंगे तो फिर तुम एक बार एक काम करो, अपने बच्चों को सबको बोलो वजू करके आगे नहा दो, तो फजर की नमाज पढ़ो और बेटा सामने बैठो बेटे या बेटे सब, और एक बार सूरह यासीन जरा जोर से बजाओ अगर पढ़ने नहीं आ रहा तो, और पढ़ने जिसको भी आ रहा तो उसको खिराज से पढ़ा के सब सुनो, और अगर सबको पढ़ने आता होगा तो सब पढ़ो, और उसके बाद मैं तुमसे वादा करता कसम खुदा की सूरज डूबे तक तुम आपको कोई सहमत नहीं दे सकेगा दुनिया के अंदर, ना कोई किसी के माँ के लाल ने ऐसा बेटा नहीं जनी जो तुम पे जादू चला दे, और किसी ने इतनी हिम्मत नहीं जो तुमको सहमत दे सके सातों जमीन के अंदर और सातों आसमान तक। क्यों? क्योंकि तुम अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में आ गए और अल्लाह ने तुम्हारी हिफाजत की ठान लिया सूरज डूबे तक, कोई तुमको सहमत नहीं दे सकता। तो इसलिए कहने सुनने ज्यादा अमल करो, जो मैंने सिखाया ये अमल करो, बाद में और भी जो सूरह आते हो पढ़ो, अभी एक तो अमल स्टार्ट करो जहां तक मेरी आवाज जारी, और ईशा की और फजर की नमाज में जो मैंने अमल बताया सूरह यासीन पढ़ने का एक बार पढ़ो, ये हदीस में है, ये हदीस में है, तुम पढ़ लिए तो तुम्हारे कोई आफत तुम्हारे नजदीक नहीं आ सकती, सारे आफतों से तुम महफूज हो गए। फजर में पढ़ेंगे तो सूरज डूबे तक, और सूरज डूबने के बाद पढ़ेंगे तो सूरज निकलने तक महफूज हो जाते।
समझ गए तुम, रात की बलाओं से, आफतों से, जिन्नातों से, शैतानों से, चुड़ैलों से, जादू टोनों से, नागोरी अगोरी काला जादू बहाना मत, ये कर मत, ये कर मत, यमनी उमानी एक्स वाई जेड जो भी रंग दो सब खत्म, तुम्हारे नजदीक कोई चीज नहीं आ सकती। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत कर रहा ना, और मैं क्या बोलूँ कहने सुनने से ज्यादा, अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे। ये बात जहन से निकाल लो कि जादू होता नहीं, जादू चलता नहीं, जादू है नहीं, अरे क्या नहीं है, अरे क्या नहीं है, कौन से किस्म का नहीं, हमने बता दिया ना हर किस्म का अलग अलग रहता ना। अब उसके आंख पे इससे पहले कभी हाजिर नहीं हो शैतान, मेरे सामने उसको लेके आए, उसके सर में दर्द हो रहा क्या आया सामने देखे, 3 बार सीटी स्कैन करे, नील नील नील। यहाँ आने के बाद मैंने जब उसके दबाव द्वारा पढ़ेगा, जब पढ़ेगा जिक्र का, उसके बाद कैसा हाजिर हुई सामने बोलाओ, छुपके बैठे रही, उनके दिल में था खुलासा करो, चलो मैंने कर दिया अल्लाह के नाम पे, मगर खुलासा करने से भी भागते नहीं, उनको जला के राख करना पड़ता उनके तरीकों से, अमल अमलियातों से, जिक्र अस्कारों से, इबादतों से। ये खैर तो बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे मसले हैं, अल्लाह तुम्हार को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या है यहाँ आने के बाद कुछ फैज मिला नहीं मिला, एक ही मिला क्या, जोर से बोलो लोग, ऐसे भी थी खुदा की कुदरत। और दूसरी बात क्या बोलते, तो अल्लाह का निजाम चलता दुनिया पे, जब शैतानी ताकतें हैं, अल्लाह भी, अल्लाह वाले भी है, जो जादू चला दे रहे तो हटाने वाले भी, मगर ऐसा मत करो कि तुम आपने खुदा की कुदरत है। मैंने बहुत जनों को राइट करा, बहुत जनों की जिंदगी बचाया, अगर मैं इसकी छोकरे की जिंदगी नहीं बचाता था, अगर मैं अमल नहीं करता था जल्दी से और उसको नहीं जकड़ में लेता था, तो उसको दिवाली के सुने ना पूछाया मैंने अंदर में तो सब मालूम पड़ता, मगर मैं मेरी जबानी कभी नहीं बयान करता, मैंने कभी कोई चीज बयान नहीं करा, मैं तुम्हारी जबानी पकड़ के सामने ला के पूछाता हूँ जब भी जलाल में आ जाता हूँ, तो जलाल के मामले, जिक्र अस्कारों के मामले, सब अल्लाह ने नमाज अलाई घराना है, ये आले रसूल औलाद अली रजी अल्लाह तआला, ये खून है, ये निस्बतें, इनका ये सिलसिला बुजुर्गों का, कि आज भी कैसा उन्हें फैज का दरिया जारी करता अल्लाह उन सब के सदक़े तुफैल में। और एक बात याद रखना मेरी, कि सबसे ज्यादा इबादत करो, सबसे ज्यादा से ज्यादा इबादत करो, इबादत की रस्सी को दुनिया वालों मजबूती से थाम लो तो तुम महफूज रहेंगे हर बलाओं से, आफतों से, वबाओं से। मेरे पास जितना इल्म है ना उससे जान लो सब बातें, मैं भी बैठा ला हूँ तुमको तो आईने की तरह बता दूंगा, वरना बाद में तो दुनिया वाले तुम आप गुमराह कर देंगे, शैतान ने जादू है टोना है, तुम कैसे पता चलेगा क्या है, कैसे वार चल रहे, बहुत सारे बातें हैं, कंपनियां को बर्बाद कर देते, घरों को उजाड़ देते, फसलों को बर्बाद कर देते, फल नहीं लगने देते, झाड़ों को बांझ कर देते, और इंसानों को बांझ कर देते, औरत को बांझ कर देते, मर्द को नामर्द बना देते, बीमारियां लगा देते, अंधा कर देते, लंगड़ा कर देते, किडनी फेल कर देते, कैंसर कर देते, दम्मा कर देते। और मैं ये कोई हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, ये तुमको मैंने प्रैक्टिकल में सब चीजें बता दिया मेरे वीडियो में, देख लो सारे, और ये मेरी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह ने बताया तुमको, क्योंकि फितना रंगीज दौर के अंदर अल्लाह ने तुमको ये सब बातें बताया, और मैंने YouTube का दौर है बोल के तुमको पता चला, अगर YouTube का दौर नहीं रहता था और तुम मेरे इलाज को आते थे और मैं तुमको बोलता था कि लड़का मेरे पास नहीं है, उसकी गर्दन में दर्द होता था, मैंने उसको पढ़ा दूसरी बार में उसके आंग में मैंने हाजिर करके सामने लाके पूछा दिया, उस पर जादू करे थे, खिलाए थे, शमशान से करे, बोला आगे बोली, तुम आधे बात मानते थे, बोलते थे आधे बात झूठ बोल रहे हो, फेंक रहे हो, ऐसा बोलते थे, क्योंकि तुम्हारा थोड़ी मानो, तुमने जब देखे वीडियो के अंदर देख रहे तो तुमको पता चल रहा कि वाकई में वो बहुत कुछ रखा अल्लाह ने, बहुत कुछ राज है अल्लाह के, वलायत को उनके मकामात को अलग फैज उनसे जारी कराया, उलमाए दीन अलग है, शरीयत अलग में भी 3 किस्म की शरीयत अलग रखे अली, बहुत सारे राज है, तुमको क्या बोलूं मैं, बस मैं इतना कहूंगा कि कुरान हदीस की रस्सी को मजबूती से थामो और दुआ करो अल्लाह के सामने, जो नहीं समझ रहा ये समझा, खुद अल्लाह तुमको समझा देगा, बस अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।